हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग इस समय जुड़े हुए हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को फटाफट से आप सभी लोग बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए। बेहतरीन तरीके से हम लोग शानदार जानदार यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग एक बार तेजी से सेशन को बच्चे शेयर जरूर कर दीजिए। फटाफट से सारे के सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करेंगे। देखिए, एक बहुत ज़्यादा तकनीकी खराबी हो गई थी, उस वजह से टाइम पे सेशन नहीं स्टार्ट हो पाया। बोर्ड पे इसीलिए नहीं हो रहा है कि बोर्ड बच्चे चल ही नहीं पा रहा था। काफ़ी देर में ट्राई करता रहा तरह तरह के, उसमें फिर मैंने इधर उधर से कनेक्शन किया लेकिन नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आज OBS से जुड़ा हुआ हूँ। तो एक बार जल्दी से सारे लोग सबसे पहले सेशन को भाई शेयर जरूर कर देंगे। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सभी लोग एक बार सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए। और आज एक बेहतरीन क्लास करने वाले हैं, आज एक बेहतरीन क्लास करने वाले हैं। कितने लोग रेडी हैं? एक बार शानदार तरीके से हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवीजन भी करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, और नए नए प्रश्न भी देखने वाले हैं। सबसे पहले एक बार सारे लोग, भाई विशाल मिश्रा, निकिता, अंकुर, सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार तेजी से शेयर कर दीजिएगा भाई सारे के सारे विद्यार्थी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर फॉलो सारे लोग करेंगे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। और किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है तो कोड आप सभी विद्यार्थी ABSIR10 कोड का प्रयोग करके रेफरल कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हर एक कोर्स में डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो SSC का है, रेलवे का है, बैंक का है, UPSC का है, किसी भी कैटेगरी का है, निश्चित रूप से आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये देखिए, कुछ बैचेस नए शुरू हुए हैं, इनमें भी आप लोग ABSIR10 कोड लगा करके इनरोलमेंट कर लीजिए फटाफट से। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बैच में भी आप लोग इनरोलमेंट कर सकते हो ABSIR10 कोड लगा करके। आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी लर्नर ऐप पर, जो एक नया टाइप है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन इमेज फॉर्म में आप सेंड कीजिए, इंस्टेंट आप लोगों को आंसर मिलेगा। टेस्ट सीरीज एकदम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको आइकॉनिक विशेषताएं दिलाने वाला है, यानी कि हर एक चीज में प्रायोरिटी मिलने वाली है। तो आप सभी लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। रेज हैंड का प्रयोग भैया सारे लोग किया करो, जब भी अनअकैडमी लर्नर ऐप पर क्लास करते हो तो रेज हैंड का प्रयोग सारे लोग जरूर किया करो, जिससे सीधे एजुकेटर महोदय से बातचीत करने का मौका मिलेगा। आइकॉनिक कोर्स लेना है अथवा प्लस कोर्स लेना है, कोड सभी को एक ही लगाना है, ABSIR10, ठीक है भाई, याद रहेगा। स्पेशल क्लास मेरी 1 बजे होती है मंडे टू थर्सडे के बीच में, उसके बाद में दूसरी क्लास शाम को 7 बजे होती है, तीसरी क्लास रात में 10 बजे होती है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर जरूर जुड़ जाइए। गांधी जी ने जो घोषित किया था आपातकाल, तो कहते हैं ना गांधी, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो आपातकाल घोषित किया गया था उसको अनुशासन पर्व किसने नाम दिया है? एक बार तेजी से आंसर कीजिएगा भाई, फर्स्ट जितने लोग जुड़े हुए एक बार आंसर कीजिएगा भाई। AK गेम्स बहुत बढ़िया, निकिता ठाकुर बहुत शानदार, सारे लोग आंसर करते रहिए भाई तेजी से, और शेयर कर देंगे बच्चे। थोड़ा सा लेट शुरू हो पाया सेशन टेक्निकल समस्या की वजह से, बोर्ड पर इसीलिए क्लास नहीं हो पा रहा है, बोर्ड बच्चे चल ही नहीं पा रहा था। चलो भाई देखो, इंदिरा गांधी के द्वारा जो घोषित आपातकाल है उसको अनुशासन पर्व बच्चे कहा गया है, और ये विनोबा भावे, कौन हो जाएगा इसका आंसर? विनोबा भावे हो जाएंगे। विनोबा भावे ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 1958 में। दूसरी विशेषता, ये विनोबा भावे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को, उसके पहले सत्याग्रही भी विनोबा भावे जी बनते हैं। अरविंद केजरीवाल को भी 2006 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और किरण बेदी जी पहली महिला IPS किरण बेदी हैं। रवीश कुमार को भी 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फटाफट आंसर कीजिए भाई। आयुष, खगेश्वर, कुमार, ऋषभ, सारे लोग यार तेजी से शेयर कर देंगे सेशन को। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है, जिसको हम लोग IMA कहते हैं, और एक वायसराय थे जिनका नाम था वेलिंगटन, जिनका नाम था वेलिंगटन, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आपको बताना है कब की गई थी, बोलिएगा भाई इसकी स्थापना कब की गई थी, आपको यह बताना है। एक बार तेजी से सारे के सारे विद्यार्थी आंसर करेंगे भाई, फर्स्ट जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार तेजी से आंसर कीजिए भाई, क्या सही उत्तर होगा।
देखो भाई, आईएमए की स्थापना 1932 में देहरादून में होती है, ये वेलिंगटन लॉर्ड वायसराय होते हैं इनके समय में होती है, याद रखना है। 1948 में आपका एनसीसी बनता है, 48 में याद रखना है। 54 से भारत रत्न दिए जाने शुरू होते हैं, 58 में डीआरडीओ की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेडियो स्टेशनों द्वारा भेजी गई तरंगे, जो रेडियो तरंगे हैं वो कहां पर परावर्तित होती हैं, एक बार तेजी से आंसर कीजिएगा भाई। फर्स्ट कहां पर परावर्तित होती हैं, प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भैया? जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार तेजी से सारे के सारे विद्यार्थी आंसर करेंगे, प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखो ये जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका आयन मंडल, ठीक है। अब दो तीन सवाल और बनते हैं। एक पूछा जाता है कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं, हवाई जहाज, उसकी आदर्श दशाएं किस मंडल में पाई जाती हैं, बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, ये सब किस मंडल से संबंधित है, एक बार तेजी से इन दोनों प्रश्नों का आंसर कीजिए आप लोग। शुक्र ग्रह पर सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? देखिए, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसको भोर का तारा कहते हैं, जिसको सांझ का तारा कहते हैं, सबसे गर्म भी कहते हैं। अब कारण क्या है सबसे गर्म है? क्योंकि CO2 की मात्रा 96% से ऊपर है, तो इसीलिए इसको सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, याद रखना है शुक्र को। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, ऑक्सीजन की बात करते हैं 21% ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्रिस्टल और सीले के द्वारा बच्चे खोजा गया। निम्नलिखित में से सबसे बाद में किसे भारत रत्न यहाँ पर मिला है? चार विकल्प हैं, राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, लता मंगेशकर, अबुल कलाम। सबसे बाद में किसको मिला है भारत रत्न, ये आपको बताना है। बिल्कुल भाई, सारे के सारे विद्यार्थी शेयर जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा लेट शुरू हो पाया बच्चे टेक्निकल समस्या की वजह से, इसीलिए बोर्ड पर क्लास नहीं हो पा रही है आपकी। देखो भाई, भारत रत्न जो मिला है वो भारत रत्न मिला है आपको राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भारत रत्न मिला ही नहीं, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला है 1913 में, लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला है, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को 1997 में मिला है। पूछा है इसमें सबसे बाद में, तो उत्तर हो जाएगा भाई लता मंगेशकर, जिनको 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है भाई, गड़बड़ हो गया ना तुम्हारा ऋषभ, तुम गड़बड़ बता गया भाई, गलत बता गया ऋषभ। लिटिल बडी ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? पोलो, गोल्फ, बास्केटबॉल या फुटबॉल? लिटिल बडी ट्रॉफी जो है ये आपके किस गेम से रिलेटेड है, प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया आयुष, ऋषभ, जितने लोग जुड़े हुए हैं तेजी से आंसर करते रहिए भाई। देखो, लिटिल बडी ट्रॉफी रिलेटेड टू बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं यार? 5 होते हैं। हंगरी का गेम है भाई ये बास्केटबॉल। गोल्फ भी बड़ा शानदार गेम है। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, इसको चौगान भी कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। फुटबॉल का एक और नाम है साकर, साकर के नाम से फुटबॉल को जानते हैं, डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। अगला सवाल है, मुरलेन नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम? मुरलेन नेशनल पार्क आपका कहां पर है, किस राज्य में है, एक बार तेजी से आंसर कीजिएगा सारे के सारे लोग। देखो भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है, मुरलेन नेशनल पार्क की बात करेंगे तो मुरलेन नेशनल पार्क, बहुत बढ़िया। बोलोगे भाई ऋषभ बाबू सॉकर हो गया, मिजोरम कह रहे हैं मुरलेन, बहुत बढ़िया, जितने लोग मिजोरम आंसर कर रहे हो एकदम सही है। एक और नेशनल पार्क है मिजोरम में, डम्फा, डम्फा नेशनल पार्क भी मिजोरम में है। मणिपुर में केवल नामझाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मेघालय में नोकरेक है, नटंग की जो है वो नागालैंड में। मरकरी का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? नहीं पूछा गया है मरकरी, यानी कि पारे का उपयोग जो है वो कहां पर नहीं किया जाता है, प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, डम्फा टाइगर रिजर्व, बहुत बढ़िया, सुमित कुमार, रविरंजन, ऋषभ, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन आंसर करते रहिए भाई। मरकरी यानी कि पारा सिंबल हो गया भाई HG, और एक चीज याद रखिएगा, इसको क्विक सिल्वर भी कहते हैं, और बैटरी बनाने में इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला सवाल, मछली पकड़ने का जाल किससे बनाया जाता है? नायलॉन, रेयान, पॉलिएस्टर, कार्बन फाइबर?
मछली पकड़ने का जो जाल है वो किससे बनाया जाता है? प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखो भाई, मछली पकड़ने का जो जाल है वो बनाया जाता है आपका नायलॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल में शामिल है कॉपर टिन, कॉपर जिंक निकिल या कॉपर जिंक टिन। गन मेटल में कौन कौन से कंपोनेंट इसमें होते हैं? देखो भैया, गन मेटल की अगर जब भी हम लोग बातचीत करते हैं याद होना चाहिए, गन मेटल ये कॉपर जिंक और टिन है। कॉपर जिंक और टिन मिला देंगे तो ये आपका गन मेटल कहलाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडराइट Fe2CO2, कोरंडम Al2O3। देखो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें याद रखना है कौन सा सही नहीं है। तो ये आपका जो दिख रहा है सीडेराइट, सीडेराइट के मतलब हो गया यार FeCO3, ये सीडेराइट हो गया। बाकी ये सारे के सारे मैच हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक संख्या में लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जो सबसे अधिक भाषा बोलते हैं, आयु, समीर, खगेश्वर, प्रगति, महानीश। बहुत बढ़िया, एक एक गेम सारे लोग शेयर कर दीजिएगा और बेहतरीन तरीके से सटीक आंसर कीजिए भाई। देखो भाई, हम लोग जानते हैं विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ की है, जहाँ की सबसे अधिक पॉपुलेशन है वहीं पर भैया संख्या में भाषा बोली जाती होगी, तो वो मैंडरिन है। मैंडरिन कहाँ की है? चाइना की हो जाती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हुम बांध किस नदी पर बना हुआ है? यांगजी, वोल्गा, मरे नील। हुम बांध, यांगजी एशिया की सबसे बड़ी नदी है, वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, मर्रे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, नील अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी नदी है। ह्यूम बांध जो है ये आपका मर्रे पर ही बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, इसकी सहायक है डार्लिंग, इसकी सहायक नदी है भाई डार्लिंग। अगला सवाल है, नवे गांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ये किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, कृष्णा, गोदावरी, गंडक। नवे गांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ये आपका कहां पर स्थित है? बोलिए आयुष तिवारी, ऋषभ, सारे लोग एक बार शेयर करो यार तेजी से। जितने लोग नहीं जुड़ पाए उन सभी को जोड़िए आप लोग भैया, तेजी से जोड़िए सारे के सारे लोग जल्दी से। देखो भाई, नवे गांव नागजीरा टाइगर रिजर्व गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी पर एक परियोजना जरूर याद रखना है, पोचम्पा, ये परियोजना है। दक्षिण गंगा, बृहद गंगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, नासिक शहर इसके किनारे, कृष्णा नागार्जुन सागर बांध, अमरावती शहर, विजयवाड़ा शहर इसके किनारे। गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर, भारत में 2510। गंडक का वैदिक काल में नाम है सदा नीरा। अगला सवाल, हेगा फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है? केरला, बिहार, नागालैंड, कर्नाटका। हेगा फेस्टिवल आपका ये किससे रिलेटेड है, एक बार तेजी से आंसर कीजिएगा भैया फास्ट। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो भाई, हेगा फेस्टिवल आपका रिलेटेड हो जाता है नागालैंड से। नागालैंड की राजधानी हम लोग जानते हैं कोहिमा है, राजभाषा अंग्रेजी है। केरल में याद रखना, केरल के बारे में एक झील है वेली, दूसरी झील है वेम्बनाड, ये जरूर दोनों याद रखना है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इनमें से कौन सबसे पहले रहे? यहाँ पर पहले में लिखे दे रहा हूँ, ही हैज बीन द फर्स्ट, इनमें से पहले कौन से रहे मध्य प्रदेश के सबसे, इनमें से सबसे पहले आपको बताना। ऐसे तो पटवा भी रहे हैं, अर्जुन सिंह भी रहे हैं, काटजू भी, ये सारे लोग रहे हैं, लेकिन अगर इनमें सबसे पहले पूछा जाएगा तो हो जाएगा भाई कैलाश नाथ काटजू। अगला सवाल, जाकिर हुसैन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति,
पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। बोलिए भाई जल्दी से। देखो भाई, जाकिर हुसैन साहब हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति। इनको भारत रत्न से 1963 में नवाजा जाता है, और 62 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, 75 में बराह वेंकट गिरी साहब को, और 90 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को और डॉक्टर नेल्सन मंडेला को। अगला सवाल है, कलराज मिश्र किस राज्य के राज्यपाल हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। कलराज मिश्र साहब ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? प्रश्न का सही उत्तर भैया क्या होगा? देखो बच्चे, कलराज मिश्र के बारे में बात करें तो ये राजस्थान के राज्यपाल हैं, भाजपा के बहुत पुराने नेता हैं। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, CWC कोरोना वॉरियर क्लब यहीं पर बना था। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री किसी अगर भारत में किसी राज्य की है तो वेस्ट बंगाल की। इसके बचपन का नाम गदाधर था। फटाफट आंसर करोगे भाई? ऋषभ, आयुष, तेजनिया, एके गेम, सारे लोग शेयर करो यार, तेजी से शेयर और लाइक सारे लोग कर देंगे। देखो भाई, किसके बचपन का नाम गदाधर था? गदाधर ये रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर था। विनोबा भावे की जब भी हम बात करते हैं तो हम लोग एक चीज जरूर याद रखते हैं, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के। राष्ट्रपति शासन राज्यों में सर्वप्रथम अधिकतम कितने अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 महीने, 6 महीने, जब तक अगले चुनाव आयोजित नहीं किए जाए तब तक, या ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? देखो भाई, ध्यान से समझोगे, जो सबसे पहले अधिकतम अवधि तक लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, वो 6 महीने। उसके बाद में फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, इस तरीके से एक्सटेंड होता रहेगा, और अधिकतम 3 साल तक। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? देखो भाई, महाकाव्य तो महाभारत है, लेकिन एक विशेषता जरूर याद रखिएगा, महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास जी हैं, और महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं, लेखक गणेश जी हैं। ये पॉइंट याद रखना, लेखक जो है गणेश जी ने दोनों हाथों से लिखा था, वेद व्यास ने बोला था, तो वेद व्यास रचयिता हैं। ठीक है भाई, अमाजू शब्द किससे संबंधित है? यज्ञ, सभा, राजा या लड़कियों से? अमाजू ये वैदिक कालीन शब्द है, अमाजू। अब वैदिक काल में ऐसी महिलाएं हुआ करती थी जो आजीवन अविवाहित रहती थी, ऐसी महिलाओं को हम लोग अमाजू कहते। ऋग्वैदिक काल में सभा का उल्लेख 8 बार है और समिति का उल्लेख बच्चे 9 बार है, याद रखिएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द्विज? वैदिक काल में ये द्विज का भाग कौन सा नहीं था? वैदिक काल में बच्चे द्विज का भाग कौन सा नहीं था, आंसर कीजिएगा। देखो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। द्विज की जैसे ही बात करते हैं, द्विज का भाग नहीं था, तो द्विज का भाग भाई ये शूद्र नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो हैं ये वर्ण हैं, जिनका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दिया गया है। पुरुष सूक्त में इनका वर्णन दिया गया है, याद रखना। तो शूद्र जो है ये द्विज का भाग नहीं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक? द्विज मतलब ऐसे जो उपनयन के अधिकारी थे, जो जनेऊ धारण करने के अधिकारी थे, वो आपके द्विज कहलाते थे। आज सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, अथर्व वेद में कहा गया, बिल्कुल याद रखना है। अथर्व वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट RBI, RBI के बारे में जान लोगे भाई? 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है, 1 जनवरी 1949 को RBI का नेशनलाइजेशन होता है। ठीक है भाई, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये स्विट्जरलैंड के दावोस में,
अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा का स्पीकर किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के जो स्पीकर, जैसे ओम बिरला जी हैं 17वीं लोकसभा के स्पीकर, किसके द्वारा चुने गए होंगे? जब भी लोकसभा के स्पीकर की हम लोग बात करते हैं, लोकसभा का स्पीकर हमेशा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, याद होना चाहिए। वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं जो कि आपकी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल, हु रोट द बुक इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसने लिखी? बोलिए अर्चिता पांडे, ऋषभ कुमार, मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कमेंट नहीं देख रहा हूँ। हरियाणवी म्यूजिक, मेरे सपनों का भारत पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी कांग्रेस के 1924 में अध्यक्ष थे बिलगांव अधिवेशन के। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला हाउस में इनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। और लाला लाजपत राय की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, याद रखना। अगला सवाल, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग या चेस या टेनिस? मीराबाई चानू, देखो मीराबाई चानू का जो संबंध है ये आपका है प्यारे विद्यार्थियों वेट लिफ्टिंग से, किससे रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग से। बैडमिंटन की बात करेंगे तो थॉमस का बैडमिंटन से रिलेटेड है, उबेर का भी भैया बैडमिंटन से ही रिलेटेड। अगला सवाल है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, नेपाल या भारत? बिल्कुल 100% भाई, 100%। कुछ लोगों ने सही उत्तर दिया, इंडिया ही है। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है भाई, याद रखना। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर साहब, पीवी नरसिंह राव साहब, मोरारजी देसाई साहब या अटल बिहारी वाजपेयी जी? पहले गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे? तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जनता दल के उम्मीदवार थे, जनता पार्टी के मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, अभी तक के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान दोनों मिला है। पीवी नरसिंह राव साहब दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर साहब इनको फायर ब्रांड के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रधानमंत्रियों में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? सबसे छोटा कार्यकाल चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या मोरारजी देसाई? सबसे छोटा कार्यकाल प्रधानमंत्रियों में किसका रहा है? सही उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ऋषभ, समीर। देखो केवल 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बन पाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार, तो दोबारा से अपना पूरा टेन्योर पूरा करते हैं। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या होगा भाई? देखो भैया योजना आयोग जो बना है वो बना है 15 मार्च 1950, और इसके पहले जो उपाध्यक्ष होते हैं वो गुलजारीलाल नंदा होते हैं। कौन होते हैं? गुलजारीलाल नंदा होते हैं पहले उपाध्यक्ष, याद रखना है। मोरारजी देसाई अभी तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री नहीं, सबसे वृद्ध, सबसे युवा राजीव गांधी साहब, ठीक है। अगला सवाल, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा भंग करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा भंग करेगा? उपराष्ट्रपति, गृहमंत्री, सीएजी या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रपति महोदय जो लोकसभा भंग करेंगे भैया वो इनमें से कोई नहीं, अविश्वास प्रस्ताव से भंग होगी। एलिस पेरी क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो किस देश से रिलेटेड हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पापुआ न्यू गिनी या न्यूजीलैंड? एलिस पेरी एक क्रिकेटर हैं, महिला खिलाड़ी हैं, किस देश से हैं? बहुत बढ़िया, जितने लोग कह रहे हो इंग्लैंड, बिल्कुल गलत है, ऑस्ट्रेलिया की। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट, शक्ति स्थल, समता स्थल, वीरभूमि? इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है?
देखो भाई, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल जो है वो है शक्ति स्थल, शक्ति स्थल है। राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है। समता स्थल बाबू जगजीवन राम का है, और वीर भूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरी बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित की गई? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। कोड तो हम लोगों ने बहुत बार बताया है, आरबीपी के राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, और कुंडलवा। ठीक है भाई, तीसरी बौद्ध संगीति पी से पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, पहली राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, दूसरी वैशाली के बालुकाराम विहार में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर के कुंडलगढ़ में। यहां तक सबको क्लियर? कोई डाउट यहां तक किसी के मन में? यहां तक किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई भी डाउट है तो एक बार जल्दी से बता दोगे भाई? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, आंसर कीजिएगा। देखो, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को, 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे। एक जनवरी को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले 2 तत्व कौन कौन से हैं? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए बोलो भाई। तो सारे लोग एक बार शेयर जरूर कर देंगे, सेशन को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हुए हैं। ट्रांजिस्टर याद रखना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के चालक जो हैं, इनसे बनता है, ठीक है। और जो कभी गोल्ड में जो मिलाते हैं अक्सर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लचीला रहे गोल्ड, तो इरिडियम मिलाते हैं, इरिडियम। टंगस्टम का चिन्ह जरूर याद रखोगा भाई आपको, प्रतीक चिन्ह W। हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? हल्दी का बोलिए भाई। ठीक है, हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। रवांग पुल का उद्घाटन भारत में किस राज्य में हुआ? रवांग पुल बोलिए भाई। रवांग पुल का जो उद्घाटन है वो अरुणाचल प्रदेश हुआ है। ठीक है भाई, मणिपुर में लोकटक झील है, केबुल नामझाओ अभयारण्य है। मलाला यूसुफ जई के जीवन पर आधारित फिल्म का टाइटल क्या है? चैरियट, चाइल्डहुड ड्रीम्स, गुलमकई या मलाला नेम ऑफ स्ट्रगल। करें सर एमटीएस का कुछ उपाय होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा, आप क्लास करिए, एमटीएस में बहुत आपको फायदा होगा। देखो, ये क्लास एक ऐसी क्लास है जो सारे एग्जाम्स को कवर करती है, मैं कहता हूँ, इसीलिए मेरी जो वाईफाई स्टडी 2.0 पर क्लास होती है उसमें मैं लिखता हूँ सभी एग्जाम के लिए। मलाला यूसुफ जई के जीवन पर आधारित फिल्म का टाइटल है गुलमकई, इसके डायरेक्टर है अमजद खान।
कालका और शिमला स्टेशनों के बीच उत्तर रेलवे द्वारा कौन सी ट्रेन शुरू की गई? ये भैया शुरू की गई आपकी हिमदर्शन। निम्नलिखित में से शाहजहां के द्वारा क्या नहीं बनवाया गया? नहीं भैया 448 नहीं बताना, गलत है। पार्ट है यार सब मिलाकर के, आप कहोगे 395 तो बोल रहा, बोलने दीजिए। अरे यार एक बात बताओ, हमने कहा आर्टिकल नंबर वन है, उसका पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर थ्री, तो ये आर्टिकल तो एक ही रहेगा, ये तो इसके पार्ट हैं। तब ये थोड़ी कहोगे आर्टिकल नंबर एक फिर आर्टिकल नंबर दो, आर्टिकल नंबर वन का पार्ट वन पार्ट टू आर्टिकल, तो नंबर तो वही रहेगा। क्यों भाई ऋषभ कुमार, शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया है मोती मस्जिद दिल्ली में, ये औरंगजेब ने बनवाया है लाल किले में। पूर्णतः संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा किसका है? ये सब समझ में आया कि नहीं? अरे कोई बात नहीं भाई, अगले कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मैं बता रहा हूं उसको मानिए, अपना पढ़िए। पूर्णतः संगमरमर से निर्मित जो मकबरा है पहला, वो आपका हो जाता है एतमादुद्दौला का मकबरा, ठीक है। और हुमायूं का मकबरा जो है वो कहते हैं ना कि हुमायूं का मकबरा जो है वो पहली बार जिसमें सफेद संगमरमर से गुम्बद बनाए गए थे, याद रखना। अनारकली का मकबरा लाहौर में है, लैला मजनू की मजार कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर में, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दारा सिकोह ने कितने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर अकबर के नाम से कराया? इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका 52 उपनिषदों का, सिर अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया भाई दारा सिकोह ने। और टोटल उपनिषद कितने हैं? टोटल हैं कुल 108 हैं, लेकिन प्राप्त नहीं है, प्राप्त 12 ही है। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्धों में कौन सा शामिल नहीं था? देखो उत्तराधिकार के युद्धों का एक क्रम मैंने बताया है, BD SKD, बी से बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजवा का युद्ध और देवराय का युद्ध। तो उत्तराधिकार के युद्धों में जो शामिल नहीं था वो भाई आपका नहीं शामिल था बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध तो शामिल है, बहादुरगढ़ का नहीं। चाय में कौन सा एसिड मौजूद होता है? ऑक्जेलिक एसिड, टेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मेलिक एसिड। चाय में कौन सा एसिड मौजूद होता है? देखो भाई चाय में अगर एसिड की बात करेंगे तो चाय में बाकायदा एसिड मौजूद होता है टेनिक एसिड। मैलिक एसिड एप्पल में होता है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है इनमें से? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? BEL
ये आपका दिल्ली में हो जाता है, मुंबई में नहीं। कौन सा सही नहीं है इनमें से? नहीं, ये दिल्ली में नहीं होता, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ये बेंगलुरु है, ये बेंगलुरु है। लेकिन अगर भेल पूछा जाए, BHEL, तो वो आपका दिल्ली है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, एक बार आंसर कीजिएगा। मध्य प्रदेश, जबलपुर, उत्तराखंड, नैनीताल, राजस्थान, जयपुर, लक्षद्वीप, केरल। देखो भाई, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में, उत्तराखंड का नैनीताल में, राजस्थान का जोधपुर में है, ना कि जयपुर। बोलिए भाई। एक चीज और याद रखिए, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कब आरतती है? सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश भी है। राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो दिक्कत है उस क्वेश्चन में, इसमें किसी किसको दिक्कत हो रही है? सही तो है भाई। अब जो रिलेशन दिया है वो हाईकोर्ट का ही तो निकल रहा है, रीजनिंग प्लस जीएस दोनों लगाना है। पिट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लक्षद्वीप में, बहुत बढ़िया है। राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा जो स्वीकार किया गया है वो भैया स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान बना है और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ठीक है भाई, अगला सवाल। लिएंडर पेस ने कितने डबल्स ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 8, 10, 2 या 9? ठीक है भैया, लिएंडर पेस ने बच्चे जीते हैं 8, 2020 संन्यास लिया इन्होंने। किस विटामिन को जल में घुलनशील विटामिन के रूप में जानते हैं? जल में घुलनशील विटामिन, देखो जल में घुलनशील बी और सी हैं, वसा में घुलनशील ए डी ई और के। यहां पर फोलिक एसिड विटामिन B9 को कहते हैं, तो इसलिए यही जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है भैया, अगला सवाल। वंदे भारत, जिस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 था, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या रेल कोच फैक्ट्री या इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आपको बताना है कहां पर किया गया है इसका निर्माण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। अगला सवाल है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नागपुर, पोर्ट लुई, भोपाल या TNT, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। देखो, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है नागपुर में। नरकेसरी किस चोल शासक की उपाधि है? नरकेसरी। देखो, चोल जो है इनमें एक है विजयालय, ये चोल वंश के संस्थापक भी, इन्हीं की नरकेसरी उपाधि है। कुलोत्तुंग को एक टाइटल है शुंग विवर, चुंगी कर को समाप्त करने वाला कहते हैं इसको, ये कुलोत्तुंग का है। MDT का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी बोलते हैं भाई MDT को।
और इसका जो उपयोग है वो किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों कुष्ठ रोग, इसमें किया जाता है कुष्ठ रोग के लिए एनडीटी परीक्षण किया जाता है। डिप्थीरिया जो है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, इसके बैक्टीरिया का नाम है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये टीबी के बैक्टीरिया का नाम। अगला सवाल है भाई, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध देखो भाई, नर्मदा नदी पर बने हुए बांध, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, बारगी बांध, महेश्वर बांध, ये नर्मदा का। चंबल पर बांध पूछा जाएगा गाजर, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है भाई, तापी में एक चीज और याद रखिएगा, उकाई परियोजना भी यहीं पर है, और सूरत शहर भी इसी किनारे स्थित। चंबल हो गया, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, और अगर इंदिरा गांधी नाम लिख के आए तो नर्मदा का नाम है। 2.5 लाख वेतन किसका है इनमें से? देखो भैया, 2.5 लाख जो वेतन है ये आपका सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों का। थ्रम्बोसाइट्स के रूप में किसे जानते हैं? थ्रम्बोसाइट्स के रूप क्या आंसर होगा? देखो याद रखना है, एक आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है, तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, थ्रम्बोसाइट हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है वो 600:1 होता है। ग्रीनोसाइट किस तत्व का अयस्क है? कोबाल्ट, कैडमियम, निकल या यूरेनियम? ग्रीनोसाइट, ये भाई किस उसका अयस्क है, किस तत्व का आंसर क्या होगा? ग्रीनोसाइट की अगर बात करेंगे तो ग्रीनोकाइट जो आपका अयस्क है ये आपका हो जाता है कैडमियम। कैडमियम यानी कि सीडी सीडी बोलना है इसको, इसका जो सिंबल है वो। ठीक है भाई, निकल जो है, ये निकल की जब बात करते हैं तो यहाँ पर नहीं होगा भाई। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष देखो भैया, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो घनश्याम दास बिरला हैं भाई। प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन हैं? अंबेडकर साहब हैं। तो दूसरी चीज अगर पूछा जाएगा कि आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तब भी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही कहा। लोक अदालत पहली बार किस राज्य में आयोजित की गई? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या केरल? बोलो भाई, लोक अदालत पहली बार किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो याद रखना है, लोक अदालत गुजरात में, और सबसे लंबी तटरेखा अगर पूछा जाएगा तो गुजरात की है। अगला सवाल, किस राज्य का पुराना नाम नेफा है? नेफा मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये भैया नेफा हो गया, और पुराना नाम जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। खेल गोपाल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? खेल गोपाल। अभी तक किसने सबसे अधिक सही किए हैं एक बार बता कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, स्कोर बताओ कि किसके कितने सही हैं अभी तक। बिल्कुल, खेल गोपाल असम का है, महाराज असम का है, नट पूजा असम का है, अंकिया नाट असम का है, बिहू असम का है, सत्तारिया असम का है।
आर्यों की भाषा क्या थी? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मगधी? आर्यों की क्या भाषा थी? देखो भाई, आर्यों की जब हम भाषा की बात करते हैं तो आर्यों की भाषा यहाँ पर संस्कृत दिखेगी। क्या दिखेगी? संस्कृत आर्यों की भाषा है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए। जल्दी से अगर कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। सारे लोग तेजी से, चिंता न करिए, मैराथन हम लोग लगातार करते रहेंगे आपके एग्जाम तक। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की मैराथन हम लोग करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, संस्कृत हो गया। अगला सवाल है, कौन सा सुमेलित नहीं है? पुराण 16, वेदांग 6, उपनिषद 108, रत्नी 12, इनमें से कौन सा सही नहीं है? पुराणों की संख्या 18 है, वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है, रत्नी 12 है। यहां पर पुराण आपका सही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? देखो, वितस्ता जो है झेलम का नाम, बिल्कुल सही। सदानेरा गंडक का नाम, बिपाशा व्यास का नाम, परुषणी जो है वो रावी का नाम है। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो भैया कौन थे? एक बार तेजी से आंसर कीजिएगा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कणाद, जैमिनी, जैमिनी गौतम, जैमिनी बादरायण या वैशेषिक जैमिनी? क्या आंसर हो जाएगा? पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के बादरायण है। पूर्व मीमांसा के भैया जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के बादरायण है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। उत्तर मीमांसा के बादरायण है और पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। ये पॉइंट आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, ईमेल के पते में एट द रेट आप जो निशान है इसको किस वर्ष चुना गया? 1976, 72, 1980 या 1984? ये जो एट द रेट है इसको बच्चे चुना गया है 1972। भारत सरकार उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीति का अनुसरण कर रही है कब से? 1981, 91, 1999 या 2001? भारत सरकार जो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीति का अनुसरण 1991 में कर रही है, जब एलपीजी मॉडल आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, बाद में इसमें यम भी शामिल हो गया, मार्केटाइजेशन ये भी शामिल हो गया था। 91 में ही यूएसएसआर का विघटन भी हुआ था। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम, रावी, चेनाब, सिंधु? ये आपका हो जाता है भाई झेलम। कौन सा सही है इनमें से? आंसर कीजिएगा, कौन सा सही है? बहुत बढ़िया सवाल है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, कैमरून की याउंडे है, तंजानिया की डोडोमा है, हेलसिंकी फिनलैंड की है? केवल यही वाला सही है, नाइजीरिया की कैपिटल अबुजा है, बाकी सब गलत। ठीक है भाई, बाकी सब गलत। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया नाइजीरिया अबुजा। 1687 में प्रथम नगर निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली? नगर निगम बोलोगे भाई सारे लोग?
क्या हो गया भाई आयुष? आयुष बाबू बोलिए। 1687 में जो नगर निगम है ये भैया मद्रास, और मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पैगोडा के देश के रूप में जाना जाता है? मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, मालदीव। पैगोडा के देश के रूप में जाना जाता है कौन सा? पैगोडा के देश के रूप में हम लोग जानते हैं म्यांमार को, ठीक है। मालदीव की जो राजधानी है वो माले है। मलेशिया की जो कैपिटल है वो कुआलालंपुर है, केएल के नाम से जानते हैं। ज्यूरिख जिसे यूरोप की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है किस देश में स्थित है? ज्यूरिख जिसे यूरोप की वित्तीय राजधानी के रूप में जानते हैं वो आपका स्थित हो जाता है स्विट्जरलैंड, ठीक है भाई। एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है नीदरलैंड की। द हेग शहर भी नीदरलैंड में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की क्रांति 1789 में होती है जिसके तीन आदर्श वाक्य हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला सवाल, कौन सा इनमें से सही है? बोलिए भाई। देखो भैया इसमें सारे के सारे सही हैं। कौन सा सही है? फिर से आ गया भाई, राइबोसोम, डेड्यूबे, लाइसोसोम, बवेरी, सेंट्रोसोम, पैलोडे। इनमें से सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्यों? राइबोसोम पैलोडे ने खोजा है, लाइसोसोम डीड्यूबे ने, और सेंट्रोसोम बवेरी। ठीक है भाई। भारत का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? भारत का दौरा करने वाले पहली अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं वो आपके थे डेविड आइजनहावर, और 1959 में इन्होंने दौरा किया था, ठीक है भाई। बीसीजी टीकाकरण के लिए कौन सा है इनमें से? बी से बैसिलस है, सी से कैलेमिटी है, जी से ग्यूरिन है। ठीक है भाई, बीसीजी का जो टीका है वो क्षय रोग हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस, और इसके बहुत सारे नाम हैं। तपेदिक भी कहते हैं इसको, यक्ष्मा भी कहते हैं इसको। बोलिए भाई यादव जी, क्लियर हो रहा है ना? जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या एसिटिक एसिड? देखो तो ये जो एसिटिक एसिड है ये सिरका है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। और जठर रस में जो उपस्थित अम्ल होता है वो जठर रस में उपस्थित अम्ल HCl होता है जो भोजन के माइक्रोबैक्टीरियास को मारने का काम करता है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग गंधक अम्ल भी बोलते हैं, H2SO4 बोलते हैं। और एसिटिक एसिड जो सिरका है इसका एक और नाम है एथनोइक एसिड। प्याज को काटने और छीलने से किसकी उपस्थिति के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं? बोलिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका में सल्फर।
आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति की आधारशिला रखी गई 1813 के एक्ट से, हंटर कमीशन से, वुड डिस्पैच से, इनमें से कोई नहीं। भैया कोई अगर डाउट डाउट हो आप लोग पूछ लोगे, और मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। सबसे ऊपर देखिए कमेंट सेक्शन में एक लिंक लगा हुआ है मेरी प्रोफाइल का, तो अनअकैडमी लर्नर ऐप पर मुझे फॉलो जरूर करिएगा सारे लोग। आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति की जो आधारशिला है वो भैया रखी है वुड डिस्पैच। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संदेह और विवाद का निर्धारण किसके द्वारा होता? उच्चतम न्यायालय, बाकी सबका हाईकोर्ट में मामला आएगा। एक मुर्गी के अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? 6 ग्राम, 5 ग्राम, 15 ग्राम या 25 ग्राम? एक मुर्गी के अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? एक बार तेजी से सारे लोग आंसर कीजिए भैया फास्ट। बोलिए भैया, ये आंसर हो जाएगा आपका 6 ग्राम। भारत में स्थित केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है? दिल्ली, रांची, चेन्नई, लखनऊ। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान की बात करते हो तो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में है। रांची में केंद्रीय टसर अनुसंधान संस्थान है, रांची स्वर्णरेखा नदी के किनारे भाई स्थित है। शरीर के तापमान को कौन सा नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड? शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम लोग कहते हैं भूख का केंद्र, प्यास का केंद्र। पीयूष जो ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि ये हो जाता है आपका, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि जो है, ठीक है भाई, याद रहेगा हाइपोथैलेमस, इसको हम लोग भूख का केंद्र, प्यास का केंद्र, तापमान का केंद्र भी कहते हैं, ठीक है भैया, याद रहेगा। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, याद रखिएगा, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। अगला सवाल है, एक प्रख्यात इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हाल ही में किसको? बिपिन रावत साहब को, आर के भदौरिया साहब को, करमबीर सिंह को या विनोद कुमार यादव को? देखो जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, वो एक ग्लैंड के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाती, पैराथायराइड के ऊपर, बाकी सभी के ऊपर नियंत्रण करती है, इसलिए उसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है भाई। इंजीनियरिंग पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था वो किया गया था आपको विनोद कुमार यादव को। यहां तक क्लियर है सबको? जनधन्नु जत्रा ये पर्व जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? धन्नु जत्रा पर्व पीनियल नहीं, पिट्यूटरी होती है, मटर के दाने के बराबर मिस्टर जय, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा यार उड़ीसा। उमरो सिसोको एम्बालो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये गिनी बिसाउ, अल्जीरिया, पुर्तगाल या मालदीव? ये भैया हो जाते हैं एम्बालो सिसोको, ये गिनी बिसाउ। इसके बाद आप लोग मेरे साथ जुड़ोगे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर भी जुड़ना, एक 11 बजे भी क्लास है आपकी वाईफाई स्टडी 2.0 पर, ठीक है, वहां भी जुड़िएगा आपको।
फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो महोत्सव अब थोड़ी देर में छोड़ेंगे क्योंकि 11 बजे वहां पर भी क्लास लेनी है। थोड़ा सा डिले हो गया था आज, मैंने सोचा था 1.5 घंटे का मैराथन हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन बोर्ड की दिक्कत की वजह से नहीं हो पाया भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश हो जाएगा। डफला पहाड़ी अगर पूछी जाएगी तो भाई अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। विकास कृष्ण किस खेल से संबंधित हैं? बॉक्सिंग, चेस, रेसलिंग या क्रिकेट? विकास कृष्ण पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा भाई बॉक्सिंग से। किससे रिलेटेड है बच्चे? बॉक्सिंग से रिलेटेड है। अगला सवाल है, आरबीआई के सबसे अधिक समय तक गवर्नर कौन थे? आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को बना, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीकरण हुआ। पहले गवर्नर ऑस्बोर्न स्मिथ अंग्रेज थे। पहले भारतीय गवर्नर सीवी देशमुख थे। सबसे अधिक समय के लिए वेनेगल रामराव। सबसे कम समय के लिए अमिताभ घोष। अमिताभ घोष केवल 20 दिन के लिए रहते हैं। ये हो गया वेनेगल रामराव। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के पहली बार सीएम कब बने? बोलोगे भाई? नरेंद्र मोदी जी गुजरात के पहली बार सीएम बन जाते हैं 2001 में, और 1 से लेकर के 2014 तक लगातार सीएम रहते हैं। समझ गया मेरी बात? 1 से लेकर के 2014 तक 14 भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला सवाल है, बेरिल किसका एक अयस्क है? निकेल, बेरिलियम या लेड या टिन का? बेरिल किसका एक अयस्क है? आंसर क्या होगा भाई? बहुत बढ़िया, बेरिल आपका बेरिलियम का हो जाता है। ग्रंथियों के अध्ययन के रूप में किसको कहते हैं? ग्रंथियों का अध्ययन एनिमोलॉजी, एडेनोलॉजी, होरोलॉजी, डेमोलॉजी। जो ग्रंथियों का अध्ययन है भैया, इस ग्रंथियों के अध्ययन को हम लोग एडेनोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम है वो जोना खान है। ठीक है, ये हो जाएगा। और अली गुरशास्प जो है अलाउद्दीन खिलजी का नाम है। गाजी मलिक ऐसे गयासुद्दीन तुगलक का नाम है। निजाम खान सिकंदर लोधी का नाम है। ठीक है भाई, ये हो गया जोना खान। IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद। बिल्कुल पुतिन बाबू, ये तुम कल भी कह रहे थे पुतिन बाबू। बिल्कुल भैया, बस सेशन समाप्त होने वाला ही है। IRDAI का जो मुख्यालय है वो भैया हो जाता है आपका हैदराबाद। वह महाद्वीप जिसके माध्यम से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा है, दोनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती है। ये दोनों जो काल्पनिक रेखाएं हैं, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, ये दोनों आपकी गुजरती हैं यूरोप से, नहीं एशिया से। किस देश की भारत के साथ एक सामान्य सीमा नहीं है? ये याद रखना है भैया, श्रीलंका के साथ कोई भी सीमा स्पर्श नहीं होती। ठीक है, अभी 11 बजे आप लोग जुड़िएगा मेरी क्लास में सभी लोग। तो यहीं तक रखते हैं हम लोग, क्योंकि मैराथन हम लोगों का थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसीलिए भैया जितने भी लोग हैं हमारे साथ तो हम लोग 11 बजे जुड़ेंगे। लेकिन एक चीज आप सारे लोग किया करो, जितने लोग जुड़ते हो मेरे साथ, एक चीज जरूर किया कीजिए। एक तो अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हो
अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाओगे। ठीक, जब आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ोगे तो निश्चित रूप से हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी लर्नर ऐप की सारी क्लासेस कर पाएंगे। ठीक है, रिपोर्ट एंड विन आप लोग देख सकते हो। सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।